बिहार के भागलपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। पानी के तेज बहाव का भयानक कहर भागलपुर के नवगछिया में देखने को मिल रहा है। इसकी चपेट में दो वाहन आ गए हैं। इनमें से एक बोलेरो और दूसरा ऑटो, दोनों वाहन पानी के तेज धार में बह गए हैं। जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ वहां लग गई है। SDRF की टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई है और खोजबीन में टीम टीम के लोग लग गए हैं। हालांकि अब तक दोनों वाहनों का पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि भागलपुर के नवगछिया का यह वाक्या है। नवगछिया के तेतरी कल बलिया धार के पास बुधवार की सुबह विक्रमशिला सेतु पथ की ओर जाने वाले पहुंच पथ अचानक लगभग 50 फीट ध्वस्त हो गया। यह पहुंच पथ तेतरी दुर्गा स्थान के छोटे पर्वत्ता होते हुए विक्रमशिला सेतु की ओर जाता है। पहुंच पथ के ध्वस्त होने के दोनों ओर पानी का लेवल बराबर हो गया है और बहाव ज़्यादा तेज हो गया है। बताया जाता है कि बुलेरो पर कई लोग सवार थे। ड्राइवर समेत सभी सवारों के पानी की तेज धार में बह जाने की सूचना है। वहीं ऑटो पर सवार लोग बाल बाल बच गए। कहा जा रहा है कि ऑटो पर 7 लोग सवार थे। ऑटो नया था और खरीदे जाने की खुशी में लोग देवघर जा रहे थे। हालांकि इसमें वे आशंकित रूप से जख्मी हो गए। जख्मियों को नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एडमिट कराया गया है। उधर पटना से जानकारी मिलते ही काफी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। वहीं SDRF की दो टीमें भी पहुंच गई। SDRF की टीमें लगातार सर्च कर रही है लेकिन अब तक वाहनों का पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, नवगछिया के SDO मुकेश कुमार, SDPO रविंद्र भारती, नवगछिया इंस्पेक्टर लाल बहादुर सिंह, नवगछिया VDO कुंदन कुमार, नवगछिया CO विद्यानंद राय भी मौके पर पहुंच गए। खोजबीन जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।